संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने देशभर में शुक्रवार काला दिवस मनाया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान की मौत के विरोध में शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का पुतला भी फूंका गया। सिटी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि एमएसपी गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर हजारों किसान सड़कों पर है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों का दमन करने में लगी हुई है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सरकार जानबूझकर आंदोलन को उकसाना चाहती है, देश के अंदर किसानों का दमन किया जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा है और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का जो संयुक्त मंच है, उसने पूरे देश के अंदर ब्लैक डे मनाने का आह्वान किया है। आपको मालूम है जिस तरीके से 13 तारीख से किसान आंदोलन शुरू हुआ था हमारे देश में और खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से दमन किया गया है किसानों के आंदोलन का, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, आपको मालूम है रबर की गोलियां जो है वो बरसाई जा रही हैं, बहुत सारा दमन किया जा रहा है और उस दमन के चलते आपको मालूम है कुछ किसानों की जो है जान भी जा चुकी है। हालिया उदाहरण जो एक शुभकरण सिंह जो एक युवा किसान थे, उनकी मौत जो इस सारे सरकार की कार्रवाई में हुई है। केंद्र सरकार और हरियाणा की जो सरकार है वो लगातार आंदोलन को दबाना चाहती है, किसान लगातार कुछ मांगों को लेकर जो है बात करना चाहते हैं। आंदोलन 2020 में जब शुरू हुआ था तो किसानों के ऊपर जिस तरीके से काले कानून लाद दिए गए थे उस वक्त और वो जो बाद में वापस लेने पड़े, उसी वक्त सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने ये वायदा किया था कि इस आने वाले समय में जो है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में उसने बातचीत की थी, किसानों के जो कर्जा मुक्ति का सवाल था उस विषय में बातचीत की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी क्या हो रहा है कि जो सड़कें हैं, किसान क्या कहते हैं, किसान कहते हैं हम दिल्ली जाना चाहते हैं, वहाँ से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपने क्या वायदे किए थे और ये वायदा खिलाफी जो आपने की है इससे आप पीछे हटे। लेकिन सड़कों पर जो है कीलें लगा दी गई हैं, वहाँ पर जो है बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं, कंटीली तारें बिछा दी गई है, सीमेंट के बैरियर्स खड़े कर दिए गए हैं। तो सरकार जानबूझकर जो है आंदोलन को जो है रोकना चाहती है, उकसाना चाहती है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी भी समुदाय का या व्यक्ति का हक है कि वो अपने संदर्भ में अपनी बातों को उठाने के लिए आंदोलन कर सकता है, लेकिन आज जिस तरीके से ये दमन हुआ है जिसमें किसानों की जो जान गई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो ये दमन किया जा रहा है और जो ट्रैक्टर तोड़े गए हैं पुलिस दमन में, इस सारे मसलों का जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जो है वो उसकी इंक्वायरी की जाए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा दमन है, ये दमन जो है बंद किया जाए और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के जो मंत्री हैं अनिल विज, उनको जो तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए और उनको उन पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये भी हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन जो आज पूरे देश के अंदर काला दिवस हो रहा है, इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने ये ऐलान कर दिया है 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा, उसके बाद जो है 14 मार्च को जो है पूरे देश से जो किसान लामबंद होकर जो रामलीला ग्राउंड है दिल्ली के अंदर वहाँ पर किसान मजदूर महापंचायत होगी। और 26 फरवरी का जो ट्रैक्टर मार्च इसलिए भी रखा गया है क्योंकि अबू धाबी के अंदर 26 फरवरी को ही जो विश्व व्यापार संगठन WTO है उसकी बैठक शुरू होने जा रही है और WTO के दबाव में ही हमारी केंद्र सरकार काम कर रही है और किसानों के खिलाफ जो है कानून लगातार वो बनाती रही है, लगातार जो कॉरपोरेट प्रस्त नीतियाँ उसको आगे बढ़ाना चाहती है। तो आज का ये जो प्रदर्शन आज हमने किया है DC ऑफिस के बाहर यहाँ शिमला में, इस तरीके के जो काला दिवस है पूरे प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी मनाया गया है और हमने पुतला दहन किया है जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, अनिल विज जो हैं हरियाणा के मंत्री और वहाँ के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उनका पुतला दहन किया है और अब फिर सरकार से ये मांग कर रहे हैं
कि तमाम जो ये जो आज किसानों के ऊपर जो दमन किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उसको तुरंत रोका जाए, नहीं तो अन्यथा किसान जो है और मजदूर पूरे देश को लामबंदी करके आंदोलन को आगे ले जाएंगे।